साथी है वो डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, लेकिन ज़रा पावर सेक्टर की बात करेंगे। सर, पावर सेक्टर में जो कुछ हो रहा है, जो घंटों लोड शेडिंग की अजियत से इस वक्त पब्लिक दो चार है, ये मजीद कितनी देर तक जारी रहने के इम्कानात हैं? और फिर ये भी बताइएगा कि जो सस्ते सोर्स है गैस, क्योंकि इस वक्त गैस जो है वो डिस्ट्रप्टेड है सप्लाईज उसकी, तो कितनी देर तक ये गैस डिस्ट्रप्टेड आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि फर्नेस ऑयल मंगवाया जा रहा है और फर्नेस ऑयल से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बिल कितने बढ़ेंगे कंज्यूमर साइड के ऊपर? देखिए, दो हकायक तो हम खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे सामने है। पहला ये क्या ये कि बिजली का बहरान जिसका आपने जिक्र किया और गैस का बहरान, ये दो बहरान जो हैं ये इकट्ठे आए हैं। थोड़ा सा पेचीदा मामला है, जहां तक मैंने इसको समझ पाया हूँ मामले दो हैं। पहला मामला ये है कि एक हमारा जो पसाकी दीप गैस का जो कुआं या वेल कहलाता है, वो जिसको कहते हैं ये टेक्निकल टर्म में एनुअल टर्न अराउंड, यानी कि साल में एक दफा उसको बंद करना होता है, मेंटेनेंस की वजह होती है, उसमें कोई रीफिटिंग करते हैं, उसकी कोई रेनोवेशन करते हैं, वो कहलाता है इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी कि दुनिया ने ये सब चीज़ों का एक इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसको पूरा करने के लिए एनुअल टर्न अराउंड होता है। और यहाँ पे तकरीबन 160 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे का नुकसान हो गया जो गैस सिस्टम के अंदर से चली गई। दूसरा प्रॉब्लम है जिसको ये कहा जा रहा है ड्राई डॉकिंग। अब ड्राई डॉकिंग क्या होता है कि जो हमारा एलएनजी का एक वेसल है, एक जहाज समझ लीजिए, जिसको ये एफएसआरयू कहते हैं। एफएसआरयू एक्चुअली है फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट, यानी कि जो बड़ा जहाज आता है वो लिक्विड उसमें एलएनजी होती है वो इसके अंदर डालता है, वो इसको फिर रीगैसिफाई करता है और फिर वो हमारे सिस्टम के अंदर आता है। अब वो जहां तक मुझे मालूम है वो 15 साल में कहीं दो दफा उसकी जो कहते हैं ड्राई डॉकिंग के, वो पानी में पड़ा रहता है तो उसको निकाल के एक साहिल पे लाया जाता है और जो हिस्सा उसका पानी में होता है उसको ड्राई किया जाता है। अब जरा पेट्रोलियम डिवीजन की अगर बात की जाए तो जो पेट्रोलियम प्राइसेस है दे आर लाइकली टू गो अप। अब देखिए, जो हाई स्पीड डीजल हो या केरोसिन ऑयल हो या फिर वो पेट्रोलियम प्राइसेस हो, उसमें देखा यह गया है कि पेट्रोलियम लेवी बहुत बढ़ाई है सरकार ने और उसके जरिए से अपने करंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर काफ़ी हद तक टारगेट्स भी पूरे किए हैं। और उसकी तौजी ये पेश की जाती है कि जो पेट्रोलियम लेवी है, क्योंकि वो तो फेडरल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, जो GST है वो डिविजिबल पूल में चला जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ती हैं तो क्या अल्टीमेटली पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएगी सरकार और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी, या GST के अंदर कोई मैनिपुलेशन की जाएगी, यहां पर क्या हो रहा है पेट्रोलियम डिवीजन के अंदर? देखिए, मामला दो चीजें, अगर दो फिगर्स आदाद शुमार आप सामने रख लें कि हुकूमत ने बजट के अंदर 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी दिखाया है कि वो इस साल में कलेक्ट करेंगे। अब हम सालाना तकरीबन 20 बिलियन लीटर पेट्रोल और डीजल जो है 22 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो आपने आसान तरीका ये है कि 610 अरब को आपने 20 बिलियन पे अगर आप डिवाइड कर दें तो तकरीबन 30 रुपए फी लीटर का पेट्रोलियम लेवी बनता है। इसमें एक खबर और आप ऐड कर लें, जो 1.5 अरब डॉलर का ऑयल की फैसिलिटी सऊदी अरेबिया के साथ जिसकी खबर आई है कि शायद तय पा गया है, उसके नतीजे में मैं समझ रहा हूं कि शायद इतना बोझ जो है वो आवाम के ऊपर हुकूमत ना डाले या ना डालना पड़े। लेकिन साथ ही साथ ये है कि अगर आलमी मंडियों में तेल की कीमतें इतनी तेजी से जिस तेजी से चढ़ रही हैं, अगर वो चढ़ती रही हैं और बाकी दुनिया की इकोनॉमीज हैं वो खुलती रहें तो फिर तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी ऑयल की और प्राइसेस मजीद चढ़ जाएंगी, तो उसका फिर आप एक रिफ्लेक्शन पाकिस्तान के अंदर भी देखेंगे। जो इन्फ्लेशन है वो आपको सिंगल डिजिट के अंदर जैसे सरकार प्रेडिक्ट कर रही है, क्या होती हुई दिखाई दे रही है इस सब के इम्प्लीकेशंस में? अब मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वजीर साहब का, वजीर खजाना साहब का ये कहना है और IMF, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है आलमी मालियाती इदारों के साथ, वो अगले 2 या 3 महीने जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को देगी कि आप अपने मफरूजे, जिन मफरूजों के ऊपर आपने ये बजट बनाया है उसको साबित करके दिखाएं। सस्पेंड हो गया है, आपको पता है कि IMF का प्रोग्राम जो है
वो IMF की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है और उसको अब वो सितंबर में ले गए हैं कि सितंबर में जाके वो उसको दोबारा रिव्यू करेंगे और उस वक्त तक फिर कार्रवाई देखी जाएगी कि क्या हुकूमत ने जिस जिन मफरूजों के ऊपर ये बजट बनाया है कि क्या वो बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर जो है वो गर्दिशी कर्जात को कंट्रोल में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये IMF ने इनको टाइम दे दिया है। मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हो पाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। अब ये क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब